कर रहे हैं, ये प्रूफ हो जाएगा आप किस पार्टी का कर रहे हैं। एनटीपीसी का अधिकारी अभी तक मौजूद नहीं है, आइए आए हुए दर्शकों से पूछता हूँ इनका क्या इरादा है, स्कूल रखना है या जाने देना है। जिंदलाली आप बोलिए कि ये विद्यालय रहना चाहिए कि कहीं और जगह जा रहे हैं जाने देने चाहिए। ये रहना कहीं नहीं जाना, नहीं जाना है तो कैसे रोकिएगा? सबको मिलकर रोकेंगे, इसीलिए आए हैं। आप बोलिए, आप कहाँ से हैं? बड़के गांव से हैं? तो ये बहुत दिनों से स्कूल चल रहा है, फिर आज बंद होने वाला है या दूसरा जगह जाने वाला है, क्या है? नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बच्चों की बात है, भविष्य की बात है। अगर आज स्कूल की चले जाएगी तो हम लोग कर देंगे, बाजार में उठेगी, हम लोग को जिंदगी खराब कर देगा एनटीपीसी, इसे नहीं जाना। स्कूल के बारे में क्या करना है? स्कूल के बचाना, एनटीपीसी भगाना है। किसको भगाना? यहाँ पर जाओ। अच्छा, और मेरा धरती यहाँ पर रहिए, क्या करना है? एनटीपीसी यहाँ पर जाओ। तो एनटीपीसी घोषणा कर दिया कि इस स्कूल को दूसरा जगह देंगे और इसमें ऑफिस खोलेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको तो जगह दे रहा है, दूसरा जगह ढंग आवे दे रहा है, नहीं जाने देंगे। यहाँ रहेगा तो रहेगा, एनटीपीसी जगह तू भागेगा भागा, इसको नहीं भागने देंगे। हाँ सर, आप बताइए कि आज यहाँ क्या हो रहा था आदर्श मध्य विद्यालय में बड़का गांव? जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा भेजे गए चिट्ठी के आलोक में आम सभा की गई थी, जिसका अनुपालन बीओ अपने स्तर से करवाया, और यहाँ पर एनटीपीसी के मैनेजर ने जिला शिक्षा अधीक्षक को लिखित दिया कि आदर्श मध्य विद्यालय यहाँ से बच्चों को उसके एनटीपीसी द्वारा बनाए गए आर्यन कॉलोनी के विद्यालय में विस्थापित करने की कोशिश थी। तो मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी ग्राम सभा आम सभा करवाने की, इसे मैं कल प्रचार प्रसार कराते हुए आज सफल कराने का भरपूर प्रयास किया और सफल हुआ। तो आज यहाँ आम सभा की आयोजन किया गया? हाँ, आज यहाँ आम सभा बड़का गांव और इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र गाँव से आए जनता के द्वारा किया गया था। एनटीपीसी अधिकारी को दिया गया था, सभी लोग आए? वो प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और एनटीपीसी की पदाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा दिया गया था, लेकिन कोई पदाधिकारी यहां उपस्थित नहीं हुए। ये बहुत खेद की बात है, क्योंकि जनता की आवाज जिनके द्वारा जाना चाहिए था वो अब वहां पहुंचाने में थोड़ी कष्ट होगी। आप लोग इसके द्वारा भेज सकते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी आप हैं। तो वो लोग नहीं आए, तो इसके आगे आप लोगों का क्या कदम उठेगा इसके संबंध में बताइए। हम लोग तरफ से कोई संबंध नहीं उठेगा, जनता की फैसला थी, जनता ने फैसला दे दिया। तो जनता ने क्या फैसला दिया, क्या करेंगे? सर्वसम्मति से तय किया किसी भी कीमत पे आदर्श मध्य विद्यालय को यहाँ से नहीं उठने दिया जाए। अब कृपया अपना नाम और पद। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक आदर्श मध्य विद्यालय बड़का गांव का हूँ। ये बड़का गांव हजारीबाग जिले में आता है जी। और अपना विरोध जताया, मैं पेपर वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ। आइए अभी बात करते हैं आदर्श मध्य विद्यालय का विद्यार्थी से, सभी बच्चियां आई हुई हैं। अब इसमें इनके ऊपर क्या बीत रही है इसके संबंध में। हाँ बेटा, आज क्यों यहाँ इकट्ठी हुई है? आज हमारे आदर्श मध्य विद्यालय, हम लोग का जो एमटीपीसी है, हम लोग का स्कूल बोल रहे हैं यहाँ से वहाँ जाएगा, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसके चक्कर में हम लोग गाड़ी रोक देंगे, अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग एमटीपीसी से लड़ भी सकते हैं, अपना स्कूल बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ के बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने कहा सूची बनाओ, जिसका जमीन जाएगा गया है उसको नौकरी मिलेगा। उसके बाद वही बात डीसी साहब भी कहते हैं, जो आपके शुक्ला जी थे वो भी कई बार हम बैठक में कहे जिसका जमीन गया है उसको नौकरी मिलेगा। लेकिन आप यहीं से पूछ लीजिए, यहाँ चट्टी के लोग होंगे, आरएनआर कॉलोनी में जितने लोग का जमीन गया है हमको लगता है 10 लोग का नौकरी नहीं मिला है। बरवाड़ी के लोगों का गया है, नहीं मिला है। और दूसरी बात, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी थाना नंबर 57 में है। हम लोग एक रहे तो बरवाड़ी के मंदिर के इस पार जो है अगर आया
तो खदेड़ने का काम आपकी एकता रहेगी तभी विद्यालय के शिक्षकों और माताओं ने अच्छा तरीके से स्कूल को बचाने के लिए अपना विचार दिया। विभिन्न मोहल्ला से, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न लोगों से विचार लिया गया। हमको लगता है 110% लोगों ने यह बात रखा इसको यहाँ से नहीं हटना चाहिए, इसके लिए आप बधाई की बात रखें। आप सभी लोगों ने जो इच्छा जाहिर किया मुझे एकता बना के रखेंगे, हम लोग एकजुट कर रखेंगे तो कोई बचाव करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। एकता में बल है, एकता में शक्ति है और सभी या तो स्कूल तो आप विरोध करने में साथ हैं? ये मिडिल स्कूल रहना चाहिए और अच्छा ढंग से रहेगा, कोई इसको हटा नहीं सकेगा। इन्हें हटाने वाला जो भी आएगा उसको यहाँ खदेड़ दिया जाएगा। तो फिर एनटीपीसी घोषणा कर दिया है कि अब इसको यहाँ से ले जाना है, तो इसके बारे में क्या कहना है? एनटीपीसी यहाँ से चला जाए, एनटीपीसी कायम रहेगा यहाँ तो कैसे जाएगा? क्या उपाय करेंगे इसके लिए? खदेड़ेंगे हम लोग, खदेड़ेंगे। आप बोलिए। ये स्कूल यहाँ से नहीं उठेगी, यह स्कूल से हम लोग पढ़ के निकले हुए हैं। अगर एनटीपीसी को ज्यादा तकलीफ है तो एनटीपीसी ही भागेगा, क्योंकि हम लोग एकजुट बना के रहे। आज किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप लोग? आज क्या है यहाँ? यहाँ आज सभा ऐसी हो रहा है, स्कूल का उठाने का विरोध हो रहा था, इसीलिए हम लोग सब इसी आम सभा में आए हैं। सब आम सभा में आए तो आज क्या फैसला क्या हुआ? नहीं उठेगा यह स्कूल। आइए मिलते हैं और लोगों से। हाँ बाबा, आप कहाँ से आए हैं? स्कूल नहीं उठना चाहता। तो आप इस स्कूल में पढ़े हैं? पढ़े कैसे नहीं है, खबर को अच्छा था ना, हम लोग पढ़े। आप खुद पढ़े इस स्कूल में और फिर भी स्कूल जा रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? इनके पीछे हाथ जाएगा।